अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जाएंगे इमली की चटनी। बहुत ही मज़े की रेसिपी और बनती भी बहुत ही आसानी से। गर्मियों की ये स्पेशल चटनी है, आप इसको गर्मियों में बना के स्टोर कर सकते हैं और एक महीने तक इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, चिली फ्लेक्स, लहसुन, हरी मिर्चें, चीनी, ये पुदीना और धनिया, और इमली सोख हुई भी। अब सोख हुई भी इमली जिसमें जिस पानी में सोख की थी वो पानी डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें। पानी सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून डालना है और उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करके रख लेना है। तो बस यही है इसकी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसको शुरू करने से पहले आपने इमली को पानी में भिगो के रख देना है और वही पानी के 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पानी ज़्यादा आपने नहीं डालना वरना ये अजीब सी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।